तो दोस्तों बिहार में एक और बम्पर भर्ती लाया गया है जहां पे टोटल 4638 पदों के लिए लाया गया है। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें डिटेल से बताने आ चुका हूँ, तो टांग मलते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश नाराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जहां पर साफ तरीके से हेडिंग में बताया जा रहा है कि बिहार के 13 विश्वविद्यालय में बहाल हो गए 4638 सहायक प्राध्यापक। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के लिए भर्ती लाया गया जहाँ पर टोटल जो वैकेंसी का सीट है जो लगभग 4500 से ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, चलिए पहले पूरी जो बातें हैं उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जो अधिसूचना जो भेजी गई है चलिए वो जान लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा अधिसूचना क्या क्या भेजा गया इस वैकेंसी से रिलेटेड। यहाँ देख सकते हैं विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेजी 52 विषयों में नियुक्ति की अधिसूचना। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 52 विषय होगा, इस 52 विषय में विश्वविद्यालय में इसका जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है, बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बताने आ जाऊंगा आप सभी लोग को। हो सके तो दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो डेट है मेरे ख्याल से आपको 28 सितंबर को आने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सारी बातें डिटेल से बताने आ जाऊंगा। तो इसी बीच आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो वो सारा वीडियो प्राप्त करने के लिए। ओके दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट, जल्द ही इन पदों पर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जल्द ही आवेदन यानी कि 28 तक मैं बताया हूँ तो इसका ऑफिशियल 28 को अपडेट आ जाएगा। और दोस्तों ये है जो कंफर्म है, ऐसा नहीं कि बोला जा रहा है कि हाँ कि वैकेंसी आने वाली नहीं है, इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है जस्ट आने वाली है। जहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा पद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में है, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 856 पदों पर आपका डेल भर्ती लाया गया है। ललित लाइन यानी कि LMNOU का ऑफिशियल जो कॉलेज है उसमें लाया गया है, जहाँ पर 2 पदों पर मौलाना जहरुल हक अरबी फारसी विद्यालय में नियुक्ति होगी। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर बाकी और विद्यालय में 2 पद आ रहा है, कहीं तो 3 पद आ रहा है, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट 856 पद लाया गया है। उसको फिर तो असली बात तो जान लेते हैं दोस्तों। तो ऊपर आते हैं जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर से बताया जा रहा है कि बिहार के 13 परंपरागत विश्वविद्यालय में टोटल 13 विश्वविद्यालय में 52 विषयों के लिए टोटल 4638 पदों के लिए भर्ती लाया गया है। जहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने रविवार को छुट्टी होने के बावजूद भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को इन पदों की नियुक्ति की अधिसूचना भेज दी गई है। और देखते हैं शनिवार को जो संडे को छुट्टी थी, छुट्टी के दौरान भी इस वैकेंसी के लिए इस जॉब के लिए मीटिंग लगाया गया जहाँ पे इसका याचना अधिसूचना भेज दिया गया है। इसको नीचे आते हैं जहाँ देख सकते हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको वो बताऊंगा। जहाँ पे इसको देखते हैं ये रहा यहाँ पर कितना कितना सब्जेक्ट के अनुसार क्या क्या भर्ती लाया गया आप देख सकते हैं। तो नव गठित विश्वविद्यालय सेवा आयोग से पहली बार नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित होगी। मनोविज्ञान विषय में सबसे अधिक टोटल 424 पद, अर्थशास्त्र में 368, इतिहास में 316, हिंदी में 292, राजनीति विज्ञान में 280, अंग्रेजी में 253, जबकि भूगोल में 142 पद होंगे। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ये सभी का नियुक्ति की अधिसूचना भेज दी गई है। दोस्तों यानी कि अब आपको जो भर्ती की प्रक्रिया है आने वाली है जल्द से जल्द। तो ये आपको हो सके तो बता रहा हूँ 28 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो मैं आपको वहां से बताने आ जाऊंगा क्योंकि मैं अपने चैनल बिहार में आने वाली हर वैकेंसी से अपडेट रहता हूँ। तो प्लीज आप मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद।